गुड इवनिंग सभी को सक्सेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है तो जैसा हमने बोला भी था आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है ईवीएस का जिसमें हम लोग रेशम के कीड़ा और आपके सांप के बारे में हम लोग देखेंगे तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास में लाइव हो जाइए और सभी ग्रुपों में शेयर कर दिए भाई आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई ठीक है आप सबके लिए इतना मेहनत करें थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करेंगे ना सहयोग करेंगे तो बिल्कुल और भी अच्छा लगेगा भाई तो आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर कर दिएगा बहुत अच्छा लगेगा भाई और इसी तरह से अगर क्लास चाहिए ना तो भाई बस हमने बताया था शेयर करिए आप जम के शेयर करिए जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना उतने ज्यादा मोटिवेट होंगे और उतनी बेहतरीन क्लास लाएंगे उतने ज्यादा मेहनत करके आपके लिए क्लास लाएंगे तो आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भाई चलिए तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास को शेयर कर दिएगा सभी ग्रुपों में बिल्कुल सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा तब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग चलिए तो बिल्कुल तो चलिए भाई आज की दुनिया हम लोग क्या बात करते हैं सांपों की दुनिया है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सांपों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे सांप कितने प्रकार के होते हैं सांप के दांत कितने होते हैं सांप चलते कैसे हैं ठीक है कैसे पहचानेंगे कि सांप जहरीले होते हैं ठीक है सारे पॉइंट पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए तो चलिए आज हम लोग पहले देखते हैं रेशम के कीड़े की बात करते हैं ठीक है तो यहां पे हम लोग बात करते हैं पहले रेशम के कीड़े की बात करते हैं तब तो उसके बाद हम लोग और चीजें की बात करते हैं चलिए तो चलिए देखिएगा अगर हम रेशम कीड़े की बात करते हैं तो रेशम की पत्तियों को सातूत की देखिएगा रेशम की पत्तियों को सातूत की पत्तियों पाला जाता है रेशम रेशम के कीड़ों की देखिए यहां पे आपका थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ है रेशम के कीड़ों को रेशम के कीड़ों को रेशम के यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है रेशम के कीड़ों को कीड़ों को रेशम के कीड़ों को पत्तियों को पत्तियों के सतूत के पत्तियों को पाला जाता है ठीक है चलिए आगे इसके उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं इसके उत्पादन क्या कहते हैं इसके उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं इससे सिल्क वार्म भी कहते हैं अब आइए देखेगा यह है आपका रेशम है रेशम का कीड़ा है और रेशम के कीड़ा की अगर बात करते हैं सहतूत की पत्तियों पर ही पाला जाता है क्यों क्योंकि सहतूत की पत्तियों को देखे खा खा के क्या करता है ये अपने क्या करता है अपना जीवन यापन करता है मतलब अपना विकास करता है तो यहाँ पे देखेगा यह है क्या भाई की पत्तियां हैं और इस पे क्या क्या किया यही अंडे दी है अंडे दिए हैं अब यही रेशम का कीड़ा थोड़ा सा पत्तियों को खा के बड़ा होता है तो यह लार्वा बनता है और जब लार्वा बनता है तो फिर क्या होता है भाई और अवस्था में जाने के बाद क्या करता है कीड़ा बन जाता है कीड़ा बनने के बाद अपने चारों ओर एक धागे नुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कोकून कहते हैं और यही कोकून जब क्या करता है जब ये आपके कीड़ा बाहर मतलब क्या होता है जब कीड़ा परिपक्व हो जाता है तो कुकून से बाहर निकल जाता है और ये क्या बना एडलोथ बन जाता है ठीक है तो यह था क्या आपके रेशम के कीड़े की बात चलिए और आगे बात करते हैं बिल्कुल भाई अंकिता जी बिल्कुल एकदम सीरियस मूड में दिख रहे हैं बिल्कुल भाई आज सीरियस मूड में है ये और ऐसी कोई बात नहीं है कोई बात ऐसी नहीं है भाई ठीक चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट तो देखिएगा रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है तो भाई ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है वह कौन है वह है रेशम का कीड़ा तो इसके लिए भी गाना भी आप लोग सुने होंगे तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा तो गाना सुने होंगे ना भाई वह गाना आपके सूट करता है किस पर रेशम के कीड़े पर या सूट करता है, है। वह कौन सा जीव है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही अच्छा बिल्कुल क्या बात है भाई बिल्कुल चलिए और ये नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी मादा एक बार में तीन सौ से चार सौ अंडे देती है भाई क्या हुआ है इनकी कहानी सुनिएगा इनकी कहानी ये सुनिएगा भाई आज कहानी सुनाते हैं इनकी क्या इनकी कहानी यही है कि भाई रेशम का मतलब क्या ये भाई रेशम मतलब ये क्या रेशम के जो कीड़े हैं ये कीड़े आपस में नर मादा जनन करती हैं और इनका इतना बड़ा प्यार है बरदात करते हैं आपको इनका जो प्यार चलता है एक हफ्ते लगातार इनकी जो मैथुन क्रिया होती है लगातार एक सप्ताह तक चलता है और जब एक सप्ताह बीत जाता है ना तो मादा क्या काम करती है मादा अंडे देती है और खासियत क्या है वो मादा एक दो अंडे नहीं देती है वह मादा कितने अंडे देती है वह मादा एक बार में तीन सौ से चार सौ अंडे दे देती है और अंडे देने के बाद उसकी मौत हो जाती है ये इतना अंडे दे देती है ना इसकी मौत हो जाती है तो मादा इतनी अंडे दे देती है इसकी मौत हो जाती है ठीक है रेशम का कीड़ा इतनी बात क्लियर चलिए आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो रेशम का कीड़ा जब वयस्क रेशम का कीड़ा जब वयस्क देखिएगा कह रहा क्या रेशम का कीड़ा जब वयस्क होता है तो अपने चारों ओर धागे दुआ संरचना का निर्माण करता है अब यही क्या काम किया है रेशम का जो कीड़ा था यही रेशम का मतलब जो अंडे दे दिया ना अब ये 300-400 अंडे हो गया अब क्या काम करेगा इस पत्तियों से अब ये क्या करेगा ये आपका अंडा कीड़ा बाहर निकलेगा अब पत्तियों को खाएगा अब पत्तियों को खा खा कर, अपना क्या करेगा विकास करेगा अब विकास करेगा तो मतलब क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा भाई कीड़ा बन जाएगा और कीड़ा बन जाएगा तो अपने चारों तरफ देखिए अपने चारों तरफ क्या काम किया है धागेन संरचना का निर्माण धागेन व संरचना कैसे निर्माण किया है ये क्या करता है ये लार का शिक्रिशन करता है लार मतलब क्या करता है जैसे हम लोग क्या करते हैं लार निकालते हैं ना तो वैसे ये भी लार निकाल निकल के क्या करता है अपने चारों बगल अपने चारों तरफ क्या होता है धागे संरचना का निर्माण करता है और इसी को ही बोलते हैं क्या कोकून बोलते हैं भाई इसी को बोलते हैं क्या कोकून बिल्कुल क्या बोलते हैं <laughs> जी की भाई बात ही निराली है भाई लगता है पाकिस्तान की हवा लग गई है मादा को क्या बात है भाई चलिए भाई आगे बात करते हैं तो देखिएगा क्या भाई एक कोकुन का निर्माण कर लेती है अब यही क्या करती है यही कीड़ा यही कीड़ा ध्यान समझेगा यही जो कीड़ा है आपके जब परिपक्व होता है तो इसी कोकून से बाहर निकल जाता है और इसे अब क्या बोलते हैं इसे आइए अब क्या बोलते हैं तो देखिएगा ध्यान से तो देखिएगा करा क्या रेशम का कीड़ा जब व्यस्त होता है तो अपने चारों ओर धागे नुमा संरचना का निर्माण कर लेता है जिसे कोकून कहते हैं इसी कोकून के अंदर प्यूपा परिपक्व होता है अगर इसी कोकून के अंदर क्या होगा कीड़ा क्या होगा इसी कोकून के अंदर कीड़ा एक कीड़ा था ना इसके अंदर था इसी कोकून के अंदर कीड़ा परिपक्व होगा जिसे प्यूपा कहते हैं तो पूछा जाता है रेशम का जो कीड़ा होता है वह जब आपके क्या होता है जब वयस्क होता है तब क्या उसे क्या कहते हैं उसे प्यूपा कहते हैं लेकिन जब लार्वा अवस्था में होता है तो उसे कैटरपिलर कहते हैं तो लार्वा अवस्था में केटर कहते हैं ठीक चलिए तो इसी कोकुन के अंदर प्यूपा परिपक्व होता है जब तक उसके पंख नहीं आ जाते तब तक यहां से इसमें नहीं निकलता है। और आ गएंगे तो आपका निकल जाएगा भाई चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसी कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता देखिएगा यहां पर रेशम भी बनाया गया है इसी कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है रेशम क्या है रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जो किसका बना होता है जो प्रोटीन का बना होता है जो किसका बना होता है जो प्रोटीन का बना होता है रेशम कितने प्रकार के होते हैं तो रेशम चार प्रकार के होते हैं तसर मूंगा एरी कोसा तो लिखिया बॉम्बेक्स एरी टसर मूंगा ये सब है आपके ये सब क्या है रेशम के प्रकार है भाई इतने प्रकार की आपके रेशम होते हैं इतनी बात क्लियर सभी को बात करें चलिए से रेशम धागा प्राप्त करने के लिए उसे पहले ही गर्म पानी में उबाल दिया जाता है ऊपर अंदर ही मर जाता है बिल्कुल गोपाल जी बिल्कुल हालांकि इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन जानते रहिए भाई चलिए आगे बात करते हैं आइए भाई आगे बात करते हैं आपको पता होगा रेशम से रेशम से क्या बनाया जाता है रेशम से साड़ियां बनाई जाती है क्या बनाई जाती है रेशम के धागे से साड़ियां बनाई जाती है यह देखिए क्या भाई महिलाएं पुरुष किसका निर्माण कर रहे हैं भाई साड़ी का निर्माण कर रहे हैं किसका साड़ी का निर्माण कर रहे हैं तो देख रहे हैं साड़ी बन रहा है भाई अब पूछा जाता है सबसे सबसे सस्ती साड़ी कहाँ मिलती है सबसे सस्ती मतलब समझते हैं सबसे सस्ती अर्थ मतलब क्या वहां पे सबसे ज्यादा साड़ी का उत्पादन होता है तो तेलंगाना में एक पोचम पल्ली गांव है वहां पे सर्वाधिक वहां पे सर्वाधिक साड़ी का उत्पादन होता है जानिएगा सर्वाधिक साड़ी का उत्पादन कहाँ होता है तेलंगाना के पोचम पल्ली में पूछा जाता पोचम पल्ली कहाँ प्रसिद्ध क्यों प्रसिद्ध है गांव साड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है हालांकि बनारस में भी साड़ी की प्रसिद्ध है बनारस में भी साड़ियों बहुत प्रसिद्ध है लेकिन पोचम पल्ली सबसे ज्यादा है ठीक है और इसलिए इसे तेलंगाना को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं सिल्क सिटी रेशम सिटी किसे कहते इसी कहते हैं तो लिखिएगा यहाँ पे भारत में कई स्थान पर रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं जैसे बनारस पोचमपल्ली तेलंगाना पोचम पल्ली यह एक गांव है जो रेशम की बुनाई के लिए या साड़ियों की डिजाइन के लिए जाना जाता है पोचम पल्ली तेलंगाना राज्य के नलगोड़ा जिले में स्थित है यह सिल्क के लिए प्रसिद्ध है बिल्कुल यह किसके लिए प्रसिद्ध है सिल्क के लिए यह प्रसिद्ध है बिल्कुल तीसरी बात दिख रहा है यह है आपके इसके बाद चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अब कौन आएगा भाई अब सांप आने वाला है तो ये है देखिए भाई सांपों की दुनिया कौन है भाई ये सांपों की दुनिया तो एक बार आप लोग इतना मेहनत किया जा रहा है भाई एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा शेयर करिए भाई तो फिर क्लास में स्टार्ट करते हैं सांपों की दुनिया में देखते हैं हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग भाई बैठे बैठे इतना तो कर ही सकते हैं भाई तो चलिए सांपों की दुनिया में आते हैं हम लोग आइए कौन आया सांप आया कौन आया सांप आया बहुत खतरनाक सांप है सांपों की दुनिया में आ गए है हैं भाई तो चलिए सांपों के बारे में समझते हैं तो आइए सांपों के बारे में समझते हैं सांप एक ऐसा जीव है जो रेंग कर चलता है क्या करता है रेंग कर चलता है क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या सांपों में पैर होते हैं बताएं भाई सापों में क्या पैर होते हैं बताएं कमेंट में बिल्कुल सांपों में कोई पैर नहीं होते भाई सांपों में कोई पैर नहीं होते तो सांप कैसे चलते हैं सांप रेंग कर चलते हैं इसलिए इसे रेप्टाइल जीव कहते हैं सरिश्रिप जीव कहते हैं तो देखिएगा सरिस प्रजाति का जीव मतलब रेप्टाइल्स कहते हैं भाई रेंगने वाले जीव की प्रजातियों में सांप आता है चलिए सांप के अध्ययन को सरपेंटोलॉजी कहते हैं सांप के अध्ययन को सरपेंटोलॉजी कहा जाता है इसके हृदय तीन चैंबर के होते हैं भाई इनके जो हृदय होते हैं तीन चैंबर मतलब हमारे हृदय के चार चैंबर इनके हृदय के तीन चैंबर होते हैं इसके जीव द्विपालित होते हैं यहाँ पे देखिएगा इसका जीव है बाहर की तरफ द्विपालित होता मतलब दो पालियों में बटा होता है तभी तो हमेशा बाहर निकलता रहता है चलिए आइए आठ वर्ष तक नर सांप के शरीर पर बाल आने लगते हैं देखिएगा कितने वर्ष के बाद नर शरीर के बाल नर के सांप पर बाल आते हैं वर्ष बाद इतनी बात क्लियर और समझिएगा सांपों की बात करते हैं सांप के कान नहीं होते हैं सांप के कान नहीं होते हैं तो सांप सुनता कैसे भाई भाई सांप सुनता है कंपन की मदद से जो कंपन होता है पृथ्वी ना उस कंपन की मदद से वो सुनने का प्रयास करता है इतनी बात क्लियर है भाई और जानिएगा सांपों की बात करते हैं सांप को जब गर्मी लगता है ना तो अपना जीव बाहर निकालता है और बाहर निकाल के क्या करता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है तभी तो हम ऐसा देखते हैं जीव निकालता रहता है जीव निकालता रहता है कौन सांप इतनी बात क्लियर चलिए और कुछ और लोग जानिए कहते हैं ना सांपों को सापो का अगर नागिन को मार दिया जाए तो सांप फोटो खींच लेते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है सांप फोटो नहीं खींचते एक चीज और जानिएगा एक चीज और जानिएगा सांपों के बारे में सांपों के जो जो पॉइंट बताएंगे जो जो पॉइंट बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सांप फोटो नहीं खींचते भाई देखिए सांप जब भी मारिएगा आप जब भी सांप मारिए हालांकि मारना नहीं चाहिए भाई भाई कह सकते हैं भाई मारना तो एकदम नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहे हैं जब भी आप सांप को मारिए तो सांप के क्या काम करिएगा उसको हाथ पैर भाई उसके जो शरीर होता है अंग पे मार सकते हैं लेकिन अगर आपने सांप को मार दिया तो वह सांप पंद्रह से बीस मिनट तक जिंदा रहता है पता है आपको पंद्रह से बीस मिनट जिंदा रहता है इसीलिए भाई दस मिनट बाद आपने मार दिया सोचा मर गया दस मिनट बाद उठा आपको काट के मर गया तो हमारा कहने का मतलब यही है जो सांप होते हैं उनको मारिए लेकिन उनको मुंह को कुचल दीजिए उनके मुंह को कुचल दीजिए क्योंकि नहीं कुचलेंगे ना वो मरा नहीं रहता वो मरता नहीं है भाई वो 10 से 15 मिनट तक वो जीता रहता है उसके 10 से 15 मिनट तक उसकी बुद्धि चलती रहती है तो आपको उठेगा ना भले उसका कट गया होगा लेकिन उठेगा आपको काटेगा जरूर इसीलिए सांपों को जब भी मारिए तो उसको मुंह को कुचल दीजिए भाई बिल्कुल ठीक तो यह है आपका सांप ठीक चलिए आइए आगे बात करते हैं सांपों के बारे में नेक्स्ट है सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है मतलब सांप कितने साल जीते हैं 10 से 12 अब कुछ लोग कहेंगे भाई सांप सौ सौ साल जीता है देखिए सांप की अगर औसत आयु की बात करते हैं 10 से 12 साल तक ही रहता है हालांकि कुछ ऐसे सांप होते जो अपने आप को बचा ले जाते हैं तो वो भाई क्या होता है भाई कहते हैं भाई सौ साल हो गया है ऐसा कुछ नहीं है भाई सांप की औसत आयु दस से बारह वर्ष होती है अब कुछ लोग कहते हैं सांपों में नाग नागमढ़ी होता है नागमड़ी होता है जो इतने वर्ष तक चलता है देखिए भाई इस ये दुनिया अलग है हम सांपों के बारे में बात करें तो हम सिर्फ सांपों के नागमड़ी के यहां से कोई चर्चा नहीं होने हो वाली है ठीक है बिल्कुल तो आइए सांप के जहर उसके लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं आइए देखते हैं देखिएगा यह सांप यह है क्या भाई सांप है ऑप्शन अगर पूछा जाएगा कहता है क्या कहता है सांप के कितने दांत होते हैं सांप के दो खोखले दांत होते हैं दिख रहा है ये देखिए ध्यान से सांप के दो खोखले दांत होते हैं कितने सांप के दो खोखले दांत होते हैं और ध्यान समझेगा इसी सांप के खोखले दांत में क्या होता है इसी के पास लार ग्रंथियां पाई जाती है और उसी लार ग्रंथियों में विष भरा होता है जहर भरा होता है तो देखिएगा ये देखिएगा सांप सांप के के हमने मुंह मुंह को को खोल खोल दिया खोल दिया तो देखिएगा इसका खोखला दाग है ना तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये देखिएगा ये लाल ग्रंथियां यहाँ पे है इसी में देखिएगा जहर भरा हुआ है देखिए बीनम ग्लैंड जहर भरा हुआ है तो जब भी आपको सांप काटता है जब भी आपको सांप काटता है तो वो क्या करता है जैसे ये इसको अंदर धसाएगा तो क्या होगा ये जहर तुरंत बाहर फेंक देगा और मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाएगा हालांकि इसके दांत तो हैं लेकिन ये भोजन को चबाता उबाता नहीं है ये भोजन को डायरेक्ट जाता तो आपने देखा होगा मेढक को एकदम लिगल गया मेढक एकदम निगल गया चबाता उबाता नहीं है भोजन को लील जाता है भोजन को यह क्या करता है लील जाता है निकल जाता है इतनी बात क्लियर ये तो ये है आपका सांप सांप का देखिए ये ध्यान से ये लार ग्रंथियां इसी लार ग्रंथियम क्या है जहर है ये देखिए दांत हैं ये तो जैसे क्या आपको काटता है लार ग्रंथियां इतनी बात क्लियर अच्छा मैं जा रहा था क्या भैया आप लोग का मैं जा रहा था क्या तभी बोलिए मैच जीत गए हैं आ गए हैं अब अच्छा क्या बात है तभी तो आज संख्या आप लोग की कम है तो चलिए भाई असली मैच तो यह है असली मैच तो यह है भाई आप लोग नकली मैच देख रहे हैं असली मैच तो यहां पे है जो आपके परिवार आपसे देख रहे हैं उम्मीद लगाए हैं तो असली मैच देखिए भाई नकली मैच क्यों देख रहे हैं असली मैच देखिए बिल्कुल तो आइए भाई तो यहां पर देखिएगा सांप के दो खोखले दांत होते हैं साप अपने 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 का प्रयोग सांप अपने दांतों का यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है सांप अपने दांतों का प्रयोग भोजन के लिए नहीं करता है बल्कि सांप अपने दांत का प्रयोग दूसरे तक जहर पहुंचाने में करता है तो सांप अपने दांत का प्रयोग क्या काम करता है भोजन के लिए नहीं करता है बल्कि सांप अपने दांत का प्रयोग दूसरे तक जहर पहुंचाने में करता है बिल्कुल मोक्षदयनी मैराथन है भाई बिल्कुल आइए भाई सांपों के बारे में और जानते हैं क्या सांप के जहर उसके लाल ग्रंथियों में पाए जाते हैं भाई सांप के जो जहर कहां पाए जाते हैं सांप के जो जहर होते तो उसके लाल ग्रंथियों में पाए जाते हैं आइए नेक्स्ट सांप के कान नहीं होते भाई सांप के कान नहीं होते लेकिन यह कंपन के माध्यम से सुनता है किसके माध्यम से कंपन के माध्यम से सुनता है सांप कंपन को महसूस करता है और ध्वनि के प्रतिक्रिया करता है मतलब जैसे जैसे ध्वनि बचती है वैसे वैसे क्या करता है यह प्रतिक्रिया करता है सांप के शरीर पर सर्वाधिक कंपन उसकी निचली त्वचा पर होता है सर्वाधिक कंपन कहाँ होगा भाई उनकी जो निचली त्वचा होगी उनकी जो निचली त्वचा होगी वही तो कंपन सबसे ज्यादा तो यही कर रहा है अर्थात जमीन के सतह पर सबसे ज्यादा क्या होगा उनका कंपन महसूस होगा इतनी बात सभी को बताएं बिल्कुल आइए नेक्स्ट और क्या बात करते हैं हम लोग ध्यान से देखिए आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास है भाई ऐसा क्लास अभी यूट्यूब पे कभी नहीं हुआ ऐसा क्लास बिल्कुल सांपों की रंगोली सांपों की रंगोली कहां मनाई जाती है तो देखिएगा सांपों की रंगोली बनाई गई है सांपों की रंगोली सांप की रंगोली को क्या कहते हैं नाग गुप्फन कहते हैं कई बार सीटी दो हजार इक्कीस में पूछा था दो हजार इक्कीस पूछा था सांप की रंगोली के क्या कहते है? हैं क्या है? नाग गुफन कहते हैं क्या कहते हैं नाग गुफन कहते हैं चलिए अब ये नाग गुफन कहाँ मनाया जाता है यह सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात में मनाई जाती है सौराष्ट्र क्षेत्र के गुजरात में यह मनाई जाती है कौन नाग गुफन नागों की रंगोली इतनी बात क्लियर बिल्कुल आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो देखिएगा क्या होता है सांपों को कैसे कंट्रोल करते हैं भाई सांपों को कैसे नियंत्रित करते हैं सांपों को हम लोग बीन बजा बजा के क्या करते हैं बीन बजा बजा के कंट्रोल करते नियंत्रित करते हैं अब आपसे पूछ लिया गया कि भैया बीन किसकी बनी होती है बीन किसकी बनी होती है जो बीन बजा रहा है ना व्यक्ति किसकी बनी होती है यह बनी होती सूखी लौकी की सूखी लौकी से बनी होती है भाई कौन यह आपका बीन ठीक है बिल्कुल इतनी बात क्लियर बीन बजाने आ गया भाई बिल्कुल तो इतनी बात क्लियर चलिए आगे बात करते हैं भारत में चार प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं कौन कौन से भाई एक होता है किंग कोबरा एक होता है करैत एक होता है अफाई एक होता है दुबैया चलिए स्क्रीन शार्ट लीजिए इसको आप लोग स्क्रीन शार्ट लीजिए भाई आप लोग इसको आग उगलने वाला ड्रैगन क्या बात है भाई चलिए इतनी बात क्लियर सभी को चलिए भाई आइए दूसरे दुनिया में आते हैं हम लोग आइए भाई कौन आया कौन आया पहला नाग आया पहला मेरा नाग आया भाई कौन आया ये नाग आया एकदम देख लीजिएगा नाग इसी तरह से होता है हमेशा रहता है नाग आया कौन आया नाग आया तो नाग की बात करते है। भारत का सबसे कौन होता है? किंग होता है तो भारत का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा होता है चलिए नाग का दूसरा नाम क्या होता है किंग कोबरा नाग का दूसरा नाम किंग कोबरा इसके काटने के पश्चात बहुत अच्छा पॉइंट है भाई बहुत अच्छा पॉइंट है क्या इसके काटने के पश्चात शरीर में जल की कमी है। आपको अगर एक कोबरा सांप काट लिया ना ध्यान समझिए आपको अगर इस कोबरा सांप काट लिया तो आपको प्यास नहीं लगेगी लेकिन आपके शरीर में जल की हानि होने लगेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी मौत भी हो जाएगी तो कौन सा ऐसा सांप है जिसके काटने से जल की हानि होने लगती है वह है कोबरा सांप कोबरा सांप है जान लीजिए भाई बिल्कुल किंग कोबरा तो देखिएगा क्या होता है भाई इसके काटने के पश्चात शरीर में जल की कमी होने लगती है आंख चढ़ने लगते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति क्या होती है मृत्यु हो जाती जान लीजिएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती आइए नेक्स्ट देखिएगा इसके सिर के त्रिशूल का चिन्ह होता है इसके सिर पर इसके सिर के त्रिशूल का चिन्ह होता है तो देखिएगा इसके सिर के क्या है? होता है त्रिशूल का चिन्ह होता है देखिए ध्यान से ये चिन्ह होता है भाई किंग कोबरा ठीक है बिल्कुल एक कथन इसके लिए कहा गया है क्या नाग किसी को काट ले उसका डसा हुआ लोग पानी भी नहीं मांगते मतलब पता ही नहीं चलेगा पता ही नहीं चलेगा कि पानी कमी हो गई है इतनी बात क्लियर सभी को इतनी बात क्लियर सभी को बताएं बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल राहुल मिश्रा जी तो इतनी बात क्लियर चलिए अब आगे बात करते हैं आइए भाई क्या आया तो देखिएगा सांप काट लिया है भाई सांप काट लिया है आज हम सांप के बारे में ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो आज तक आपने कभी नहीं जाना कभी भी नहीं जाना भाई तो आज हम लोग वह चीज बताने जा रहे हैं सांपों के बारे में बिल्कुल तो आज जान लीजिएगा सांपों के बारे में ऐसे ऐसे पॉइंट लाए हैं ना कि आज तक यूट्यूब पे कभी आज तक ऐसा क्लास आपको मिला ही नहीं है बस दबा के लाइक शेयर करिएगा लग दबा के लाइक शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा क्योंकि आज का क्लास बहुत ही जानकारी वाला क्लास है आपके क्लास ऐसा क्लास आप तक तो आपको नहीं मिला होगा और आज जान जाएंगे सांप काटे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं सांप के बारे में जैसा हमने बोला था बिल्कुल तो चलिए भाई आइए सांप के बारे जानते हैं चलिए देखिएगा अगर सांप की बात करते हैं सांप अगर काटता है भाई अगर सांप काटता है तो लोग क्या कहते हैं अस्सी प्रतिशत लोग ऐसे हार्ट अटैक से मर जाते हैं हार्ट अटैक से डर के मारे मर जाते हैं कि सांप काट लिया वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उनका जो सांप काटा था उनका जो जहर था पूरे शरीर में फैल गया पूरे शरीर में क्या हो गया फैल जाता है तो 80 परसेंट लोग खाली डर के मारे मर जाते हैं कि सांप हमको काट लिया और जहां आप डरे तो आपका हार्ट बीट बढ़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा और आपका अगर यहाँ पे सांप काटा है तो आपका हार्ट बीट बढ़ गया हृदय पंदर बढ़ गया ब्लड तेज पंप होने लगा तो आपका जहर फोटाक्स पूरा शरीर में फैलता चला जाएगा तो इसीलिए जब किसी व्यक्ति को सांप काटे ना तो उनके आसपास लोग उनको डरवाइये मत उनसे कहिए आपको कुछ नहीं काटता है लेकिन आप जानते रहिए इसको सांप काटा है इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए और उसको इतना उसको इतना ज्यादा वो उस चीज से निगलेक्ट करा दिए आपको कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं काटा है आपको क्यों क्योंकि अगर वो डर गया कि आपको सांप काट लिया ना तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा और उसका जो जहर होगा पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैलेगा तो अगर किसी को सांप काट लेगा ना तो इधर ध्यान तो किसी सांप काट उसको एक मत उसको बिल्कुल मत डरवाइये कि आपको सांप काट लिया है भाई नहीं उससे बोलिए कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ है हम आपको ले चलते हैं तो ऐसे हमारा एक मित्र था ऐसे हमारा एक मित्र था उसको सांप काट लिया था लोग उसे डरवाने लगे थे हमने बोला भाई बिल्कुल डरने वाली कोई बात आपको कुछ नहीं हुआ है उसको हंसते हुए खिलाते हुए कहाँ ले गए हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले गए उसका जानते हैं क्या वह यहाँ से लेके यहां तक सिर्फ उसका जहर पहुंचा था आगे नहीं पहुंचा था क्यों क्योंकि जब तेजी से आप डरेंगे तो आपका ब्लड होगा तो ब्लड क्या होगा आगे की तरफ तेजी से बढ़ेगा इसलिए ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है इसीलिए ऐसे इंसान को और जहां भी सांप का आटा ना पर तुरंत आप क्या करेगा वहां से रस्सी से बांध दीजिए क्यों क्योंकि उसका जहर आगे न निकल पाए इतनी बात क्लियर, क्लियर? चलिए और समझिएगा जब सांप की अगर बात करते हैं तो सांप के अंदर दो प्रकार के जहर होते हैं सांप के अंदर दो प्रकार के जहर होते हैं एक होता है क्या एक होता है नेरोटॉक्सिस एक होता है हीमोटॉक्सिस एक होता है न्यूरोटॉक्सिस एक होता है हीमोटॉक्सिस अब ये न्यूरोटॉक्सिस हीमोटॉक्सिस क्या है अगर आपको सांप अगर आपको जो सांप है हीमोटॉक्सिस वाला काट लिया तो आपके शरीर में ब्लड का ब्लड का में जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो हीमोग्लोबिन इतना गाढ़ा हो जाता है कि रक्त आगे ही नहीं बढ़ पाता है जब रक्त आगे मतलब रक्त ही जम जाता है रक्त ही जम जाता है अगर किसी व्यक्ति को हीमोटॉक्सिक्स वाला ध्यान समझेगा एक मिनट <coughs> चलो ध्यान समझिएगा अगर आवाज आ रही ना चलो हाँ, अगर आपको हीमोटॉक्सिक्स वाला सांप काट लिया है तो आप क्या करेंगे अगर आपको हीमोटॉक्सिक्स वाला सांप काट लिया है देखिए ध्यान से देखिएगा अगर आपको वाला सांप काट ही बताएंगे कौन जहरीला तो कौन जहरीला नहीं होता है अगर आपको हीमोटॉक्सिक्स वाला सांप काट लिया है तो ऐसे व्यक्ति को खूब पानी पिलाइए खूब पानी पिलाइए क्यों क्योंकि तो जितना ज्यादा पानी पिलाएंगे तो आपका रक्त है थका वो जमेगा नहीं अंदर ब्लड जमेगा नहीं भाई इसीलिए बोला जाता है है काटता तुरंत पानी खूब खूब पानी पिलाया जाता है क्यों क्योंकि तो अगर हिमोटॉक्सिस वाला काटा होगा ना तो आपका रक्त जमेगा नहीं तो रक्त उसमें क्या होता है ब्लड दहिया बन जाता है मतलब थक्का के रूप में जम जाता है और जब थक्का बन जाएगा तो ब्लड आगे जाएगा तो जहर भाई दो प्रकार के होते हैं जो आपके कह सकते हैं सांपों के जहर दो प्रकार के होते, होते हैं एक हीमोटॉक्सिस दूसरा न्यूरोटॉक्सिस हीमो हिमोटॉक्सिस में अगर आपको कुछ समय देता है दो तीन घंटे गट, चार घंटा देता है समय जैसे सांप काट लिया तो आपको दो तीन चार घंटा देगा एक होता है न्यूरोटॉक्सिस अगर न्यूरोटॉक्सिस वाला अगर सांप काट लिया तो तो आपको जानते हैं क्या उसका जहर कदम जाएगा नहीं उसका जो जहर जाएगा सीधा मस्तिष्क जाएगा और मस्तिष्क जानते हैं क्या करते हैं न्यूरॉन को नष्ट करता है और जो मस्तिष्क न्यूरान को नष्ट करता है और कहीं ब्लड से कोई मतलब नहीं उसे उसकी जगह डायरेक्ट ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन के जाएंगे तो आपके ब्रेन काम करना बंद कर देगा और तत्काल सडन अचानक से मौत हो जाएगी तो ऐसे सांप काटते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है आपकी मौत भी हो जाती है एक घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर पच्चीस तीस मिनट के अंदर मौत हो जाती है जान लीजिएगा किसमें न्यूरोटॉक्सिस में इतनी बात क्लियर सभी को तो न्यूरोटॉक्सिक्स अलग हिमोटॉक्सिस अलग चले यहां पर देखिए जहर ब्लड को दही बनाता है भाई हिमोटॉक्सिस में क्या होता है ब्लड आपका दही बन जाता है ब्रेन को लॉक कर देता है जैसे न्यूरोटॉक्सिस ब्रेन काम करना बंद करता है न्यूरोटॉक्सिस आइए हीमोटॉक्सिस ऐसा जहर होता है जो हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है अगर हीमोग्लोबिन गाढ़ा हो जाएगा हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा तो भाई क्या होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं भाई आइए न्यूरोटॉक्सिस न्यूरोटॉक्सिस ऐसा जहर जो ब्रेन के न्यूरॉन को खत्म कर देता है ऐसा जहर होता है जो ब्रेन के न्यूरॉन को ही खत्म करता है मतलब तत्काल मौत हो जाएगी ये सांप काट लेगा न्यूरोटॉक्सिस वाला अब कुछ लोग कहते हैं भाई सांप काटता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। नहीं भाई हार्ट अटैक नहीं आता है आप इतना ज्यादा डर जाते हैं ना कि आपको हार्ट अटैक आ जाता है आप इतना ज्यादा डर जाते हैं डरिए मत भाई कोई भी सांप कोई भी सांप कार्डियो टॉक्सिक नहीं होता है हृदय को नहीं बंद कर सकता भाई हृदय को नहीं बंद सकता कार्डियो टॉक्सिक नहीं होता है भाई आइए तो देखिएगा जब आपको न्यूरो टॉक्सिक वाला सांप काटेगा ना तो आपकी देख रहे हैं ध्यान से आपको नींद एकदम आंखें चढ़ जाएगी नींद आने लगेगा ये न्यूरोटॉक्सिस होता है देख रहे हैं और जो आपका क्या होता है हीमोटॉक्सिस होता है देखिए सांप यहाँ काटा ना सांप यहां काटा देखिए इसकी चमड़ी को उखाड़ दिया गया है इसके चमड़ी को हमने उखाड़ दिया है इसके चमड़ी को हमने उखाड़ दिया है तो देखिएगा ब्लड आपका जम गया है ब्लड इसका आगे नहीं निकल पाया तो सांप काटा ब्लड यहीं पे जम गया है ये बात क्लियर चलिए आगे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है ये देखिएगा सांप काट लिया है भाई इसका सांप काट लिया देखिए यहाँ पे काला हो गया है देख रहे हैं और ये ब्लड जम गया है ब्लड जम गया है आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट अस्सी प्रतिशत सांप काटने से नहीं हार्ट अटैक से मौत होती है अस्सी से नहीं हार्ट अटैक से मौत होती है जबकि हार्ट को सांप से कोई मतलब नहीं होता है कार्डियोटॉक्सिस कोई सांप नहीं होता है कोई भी कार्डियोटॉक्सिस सांप नहीं होता भाई कोई कार्डियोटॉक्सिस सांप नहीं होता भाई सर स्क्रीन में जो पिक्चर है उसको देखकर मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है तो ये देखेगा ये ब्लड जब सांप काटा ना बेचारे का ब्लड जम गया है इसका ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है देख रहे हैं ना भयानक तो सांप काटता ब्लड वही जम जाता है एकदम बहुत भयानक चलिए देखते हैं डर से उनकी मौत हो जाती है घबराएंगे तो तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होगा घबराएंगे तो तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होगा सांप का जहर या तो आपके ब्लड को दही की तरह गाढ़ा कर देता है या आपके ब्रेन को लाक कर देता है तो ये दो क्रियाएं आपकी करती है तो जहर होते हैं देख लीजिएगा ध्यान समझिएगा एकदम ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है एकदम हमने तो भाई सांप को एकदम काटा है पोस्टमार्टम किया है सांप के सांप के दांत निकाले हैं पूरा एकदम एक एक पॉइंट पोस्टमार्टम कर दिया है सांप का चलिए भाई आगे बात करते हैं आइए नेक्स्ट हीमोटॉक्सिक्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं हीमोटॉक्सिक्स तो देखिएगा दही जैसा ब्लड हो जाता है तो खून आगे नहीं जाता देखिए दही जैसा हो जाता है खून आगे नहीं जाता है तो शरीर छटपटाने लगता है और मुंह से गाढ़ फेंकने लगता है और तीन घंटे में मौत हो जाती है कौन हिमोटॉक्सिक्स

हांगकांग वाले याद करें <laughs> हांगकांग वाले याद करें चलिए भाई नेक्स्ट आगे बात करते हैं आइए भाई अब कैसे पहचानेंगे कोई सांप कैसे जहरीला होता है कैसे क्या होता है तो आइए सांपों के बारे में समझते हैं आज हम लोग सांपों के बारे में एक एक पॉइंट बताने वाले हैं भाई सांपों के बारे में देखिएगा ध्यान से ये कह रहा है क्या एक होता है बीनम एक होता है नान बीनम देखिये बीनम मतलब जहरीला सांप और नान बीन मतलब नहीं जहरीला वाला सांप

अगर आपने सांप देखा पानी वाला अगर मुंह इनका ऐसा है इस प्रकार है तो जानिएगा भाई राउंड शेप है तो वो जहरीला नहीं होगा लेकिन अगर इनका मुंह एकदम ऐसे उठा हुआ है इनका मुंह तो जानेगा जहरीला है भाई तो सांपों में अगर पानी में देखेगा जहर सांप पानी में अगर सांप देखेगा तो दो प्रकार अगर इनका मुंह उठा हुआ है तो जहरीला है अगर दबा हुआ है जहरीला नहीं है बस में ये देखिएगा ये राउंड शेप होता है, ये ऐसे होते हैं अगर ऐसा दिख गया जहरीला है अगर ऐसा दिख गया जहरीला नहीं आइए पोछ के माध्यम से पोछो के माध्यम से देखे अगर इस प्रकार देखेगा तो जहरीला अगर इस प्रकार देखेगा जहरीला नहीं समझ आ रहा है ना चलिए तो यहां दिखा है नॉन प्वाइजनस स्नैक नॉन प्वाइजनस स्नैक मतलब ये सब जहरीले नहीं है कौन कौन से भाई गैटर स्नेक ग्रीन वाइन स्नेक हरे रंग का सांप देखिए हरे रंग का सांप ठीक ही है ये अब आइए नान वेनस स्नेक भाई ये भी क्या है नान देखिए रॉयल पाइथन अजगर अजगर दुनिया का सबसे बड़ा सांप है अजगर दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जा लीजिएगा ये अजगर जहरीला नहीं होता जी बात क्लियर सर इतने अच्छे से देखने का टाइम नहीं होता आप देख देखते भी भाग खड़े होते भाई <laughs> सही कह रहे हैं भाई लेकिन लेकिन बात तो सही है लेकिन जान तो जाएंगे भाई जान तो जाएंगे जानते रहिए भाई जानकारी के लिए है भाई चलिए नेक्स्ट और आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके बताए गए हैं कॉमन सैंड बोवा वाला सांप दू वाला सांप ठीक है वेनम्स का अगर बात करते हैं ये होता है रूवे रसल वाइपर जहरीला सांप होता है चार से चार फीट का होता है ठीक है इंडियन गोल्फ स्नेक ये होता है कामन करेत जानते हैं बहुत जहरीला होता है ठीक है इंडियन रेड स्नेक होता है इंडियन कोबरा कोबराजा नाजा वेनम्स चार से तीन से पांच फीट होता है ठीक अब आइए नागिन डांस एक नागिन डांस आप लोग जानते होंगे ना भाई नागिन डांस भाई नागिन डांस देखिए नागिन डांस है भाई देखिए नागिन नहीं नाच रही है नागिन डांस है ये नागिन डांस है नागिन डांस नागिन डांस को क्या बोलते हैं भाई काल बेलिया को बोलते हैं नागिन डांस काल बेलिया को बोलते हैं और ये कहाँ होता है भाई ये राजस्थान में और गुजरात प्रथम स्थान पे राजस्थान दूसरे स्थान पे गुजरात वहां पे होता है भाई ठीक बिल्कुल नागिन डांस क्लास मजेदार है स्केनोलाजी है क्या बात है भाई राहुल जी स्केनोलॉजी है भाई आज की बिल्कुल आज सांपों के बारे में भाई हमने बोला भी ना ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट आगे बात करते हैं करैत है। आया कौन आया भाई करैत देख लीजिएगा करैत कैसा होता है देख रहे करैत है भाई यह करैत सांप है यह सफेद भाई काट ना ले यार डर लग रहा है ये सफेद है ये ब्लैक है सफेद या ब्लैक है भाई बिल्कुल भारत के प्रसिद्ध डांस बिल्कुल अंकिता जी भारत के प्रसिद्ध डांस चलिए भाई आगे बात करते हैं इसे रेगिस्तानी सांप कहते हैं भाई ये रेगिस्तानों में पाया जाता कहाँ पाया जाता है ये ये आपके रेगिस्तानों में पाया जाता है भाई बिल्कुल चलिए इसे रेगिस्तानी सांप कहते हैं यह काला सफेद धारी वाला सांप है काला सफेद एक मिनट आप लोग बने रहिए तो बिल्कुल बने रहिए भाई बने रहिए आप लोग चलिए चलिए आगे बात करते हैं करैथ ये करैथ सांप है इसे रेगिस्तानी सांप कहते हैं यह काला सफेद धारी वाला सर्प है इसकी जीवा बहुत पतली होती है इसकी जीवा बहुत ही पतली होती है भाई जान लीजिएगा इसकी जीवा जीप बहुत ही पतली होती है इसके काटने पर पता ही नहीं चलता है ऐसे चुप्पे से आएगा काट लेगा ना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या काटा है इसकी जीवा बहुत पतली होती है ठीक है इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति छटपटा के मर जाता है तो व्यक्ति छटपटा के मर जाता है पता ही नहीं चलता है आया काट लिया कुछ देर बाद आपकी छटपटा के आपकी मौत हो गई छटपटा की आपकी मौत हो गई भाई बिल्कुल इतनी बात क्लियर यह है आपका करैत है भाई चलिए आइए नेक्स्ट करैत के बारे में और पॉइंट है करैत सबसे जहरीला सांप होता है इस सर्प को स्थानीय लोग कोढ़िया के नाम से जानते हैं जानिएगा इसे कोढ़िया के नाम से जानते हैं कोढ़िया इसे बोलते हैं भाई करैत दो जगहों पर सर्वाधिक पाए जाते हैं करैत एक राजस्थान में और दूसरा आंशिक रूप से महाराष्ट्र में तो मानसिक रूप से महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं और आपके राजस्थान में भी पाए जाते हैं बिल्कुल भाई करैत चाचू बहुत जहरीले होते हैं भाई चलिए भाई आइए नेक्स्ट अफाई की बात करते हैं किसकी बात करते हैं अफाई तो ये देखिएगा अफाई बहुत भयानक है भाई सब सांप देखने के डर लग रहा है भाई सांप है भाई तो चलिए आइए देखिए अफाई की बात करते हैं यह पर्यावरण के रंग का होता है अर्थात मिट्टी के रंग होता है जिस रंग की मिट्टी होती है ना उसी रंग के ये भी होते हैं भाई उसी रंग के ये भी होते हैं भाई समझ ली बात तो जिस रंग की मिट्टी होगी उसी रंग की पता ही नहीं चलेगा जैसे मिट्टी में आप बैठे हैं सांप आया आपको काट के चला गया आप समझ नहीं पाए कहाँ गया कौन था उसी रंग का रहता पता ही नहीं चलेगा आपको उसी रंग का रहता है आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कच्ची घरों में बिल्कुल भाई कच्ची घरों में ठीक पूरे भारत में पाया जाता है भाई ये पूरे भारत में पाया जाता है इससे साइलेंट किलर कहा जाता है इससे साइलेंट किलर कहा जाता है एकदम चुप्पे से आएगा काटेगा निकल जाएगा आपको पता नहीं चले कहा गया तो खेत में बैठे रहेंगे आया काट गया। निकल गया आइए, अफाई से सामना केवल रात में होता है ये सब दिन में नहीं निकलते भाई रात्रि तो प्रश्न पूछा था सीटेट दो हजार इक्कीस में ऐसा कौन सांप है जो रात्रिचर होता है जो रात में निकलता है अफाई। अफाई रात में ही निकलेगा तो रात में कभी भी कभी भी खेत में मत सोना भाई कभी भी खेत में मत सोना भाई आके काट ले गई क्लियर तो यह है आपके अफाई चलिए नेक्स्ट है कौन सा सांप आया भाई दुबैया आया कौन आया दुबैया दूह मोह वाला सांप आया भाई दुबैया बिलबिट्टी सांप दुबो या इसकी इसी को दो मुंह वाला सांप कहते हैं इसी को क्या कहते हैं भाई इसी को दो मुंह वाला सांप कहते हैं जहर के मामले में नाक से कम होता है लेकिन सभी प्रकार के सांपों में सबसे कम समय में मृत्यु के लिए जाता है यह न्यूरोटॉक्सिस होता है यह न्यूरोटॉक्सिस होता है जान लीजिएगा न्यूरोटॉक्सिस मतलब अगर ये काटेगा ना तो आपकी मौत एक घंटे के अंदर हो जाएगी मतलब समय नहीं देगा ये काटेगा तो आपको समय ही नहीं देगा भाई जान लीजिएगा इसके काटने पर सर्वाधिक एठन होती है अगर ये सांप काट लिया तो आपकी बहुत शरीर में ऐठन होती है हमेशा आठन बनी रहती है और ऐठते ऐठते आपकी मौत हो जाएगी ठीक चलिए तो यहां पे आपका सांपों की दुनिया रेशम के कीड़े यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा सांपों की दुनिया और रेशम के कीड़े के बारे में बताइए अच्छे सबको समझ आ गया किसी कोई डाउट नहीं तो हमने जैसा बोला था आज हमने उसको कर दिखाया तो सांपों की दुनिया हमने बचा था अब कल आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है कल हम लोग पक्षी देखेंगे बर्ड्स बर्ड्स ऐसे ऐसे बर्ड्स पढ़ेंगे ना आपने देखे भी नहीं होंगे सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी सबसे ऊंचाई उड़ने वाला पक्षी कौन सा ऐसा पक्षी है जो बहुत बड़ा होते हुए उड़ नहीं सकता कल बहुत चीज हमने देखने वाला है कल पक्षी के बारे में पढ़ेंगे कल हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ेंगे तो भाई आज के लिए यही तक तो चलिए भाई आज के लिए तो क्लास रखते हैं बिल्कुल तो भाई बहुत ही मेहनत किया गया तो भाई आप सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो भाई आप लोग से बिल्कुल आशा तो कर ही सकते हैं भाई कोई कास्ट कोई चार्ज इसका तो देना नहीं है भाई तो कम से कम शेयर भी तो कर सकते हैं भाई लाइक भी कर देंगे ना तो हमारे अंदर और एनर्जी आएगा और कोई माध्यम नहीं है तो भाई एक ही माध्यम है शेयर लाइक बस और कुछ नहीं और कुछ चाहिए भी नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं इतना तो उम्मीद आपसे है भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोग से कर सकते हैं नहीं बताएं भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते कर सकते हैं ना ठीक तो भाई चलिए आज के लिए तक क्लास सकते हैं एनर्जी भी डाउन हो चुकी है खाना भी नहीं खाए हैं सुबह से खाना भी नहीं खाए तो चले हम खाना भी खाते हैं भाई तो आज के लिए यहीं तक 18 घंटे हो गया क्लास पढ़ाते पढ़ाते तो आज के लिए क्लास कहीं रखते हैं हम लोग धन्यवाद सभी को सभी को जय श्री श्याम सभी को रात्रि अच्छे से नींद लीजिएगा फिर हम लोग कल मिलते हैं आपसे बिल्कुल अभी तक खाना भी नहीं खाया, तभी आज एनर्जी डाउन है भाई आज एनर्जी इसलिए डाउन है क्योंकि आज खाना नहीं सुबह भी खाना नहीं खाया अभी भी नहीं खाना खाए हैं इसलिए आज एनर्जी डाउन था बिल्कुल धन्यवाद सभी को धन्यवाद